हेलो फ्रेंड, दिस इज़ महावीर जैन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैब टेक्नीशियंस के ऊपर। उसमें एक कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स है हमने इसके पहले बनाया है, आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ से उसको DMLT कोर्स की पूरी डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी के जितने कोर्सेज मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे MBBS हो गया, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, BDS, फार्मेसी, इन सभी के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो आप अलग अलग कोर्सेज़ की जो भी डिटेल देखना चाहें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है BMLT के ऊपर, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे DMLT जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है, वैसे ही BMLT जो है वो बैचलर प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो BMLT के ऊपर है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये जो इसका टाइप है वो है डिग्री है, बैचलर डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। तो आफ्टर 12th अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर एज ए मेडिकल टेक्नीशियन के लिए, तो आप इस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो BMLT का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर प्रोग्राम होता है, एक डिग्री प्रोग्राम है, प्लस इसके साथ इंटर्नशिप भी है। 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप भी करनी चाहिए और 6 मंथ की इंटर्नशिप भी है, तो 3 ईयर प्लस 6 मंथ का इंटर्नशिप है। और इंटर्नशिप हमेशा करनी चाहिए, उससे उससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। किसी के अंडर में काम करते हैं तो एक आपको जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या उस पर्टिकुलर एरिया में जो जिस तरह के पेशेंट आते हैं वो सब कुछ सीखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, PCB चाहिए आपको, प्लस 10+2 के अंदर आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और कुछ कॉलेजेस 45% मार्क्स पे भी ले लेते हैं, लेकिन आप अगर 50% मार्क्स है तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें इस पे ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, बट कुछ स्टेट में जो काउंसिल है जैसे राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल काउंसिल जो है उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और काउंसिल के थ्रू ही आपको कॉलेज अलॉट होगा और आगे का प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ ऐसा कोई नीट जैसा इसमें एग्जामिनेशन नहीं है और अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप वो देख सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में क्योंकि 3 ईयर का प्रोग्राम है तो इसका फ़ीस बजट थोड़ा सा DMLT से ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो 2 ईयर का प्रोग्राम है और ये 3 ईयर का प्रोग्राम है तो इसमें भी अगर अपन फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये से लगाकर आपका 3-3.5 लाख रुपये तक आपका फ़ी स्ट्रक्चर हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर है, तो आप जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करें काउंसिल के थ्रू उस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। और कुछ स्टेट में तो काउंसिल है ही नहीं तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, और कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके थ्रू भी आपको लेते हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू भी आपको ले लेते हैं। अगर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर प्रोग्राम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सैलरी पैकेज आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है। DMLT के थ्रू अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और एक बैचलर प्रोग्राम के थ्रू अगर जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तो थोड़ी कम ही है, लेकिन धीरे धीरे आपका ग्रोथ इसमें आराम से हो जाता है। तो अगर सैलरी की बात करें तो ईयरली अगर अपन पैकेज की बात करें तो 2 लाख से लगकर 4 लाख तक का इनिशियल पैकेज आपका लग सकता है, और बाकी आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितने स्पेशलिस्ट बन गए हैं उसके अंदर, तो उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटल और पर्टिकुलर सेक्टर भी आपको अच्छा पैकेज दे सकते हैं। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो जॉब प्रोफाइल्स इसमें वही है जो DMLT जैसी ही जॉब प्रोफाइल्स है वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ग्रोथ लेवल मिल सकता है। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो गया, हेल्थ केयर टेक्नीशियंस हो गए, कार्डियक टेक्नीशियंस हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, R&D टेक्नीशियंस हो गए, इस तरह की सारी जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है। एज क्राइटेरिया इसमें भी 17 ईयर है, जैसे बायोलॉजी की सभी कोर्सेज में होता है, मिनिमम 10+2+17 ईयर आपका एज क्राइटेरिया इनिशियल है, 17 साल के आप कम से कम होने जरूरी है। जॉब रिक्रूटर्स की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर इसमें अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स भी अवेलेबल है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सभी हॉस्पिटल अवेलेबल है, क्लिनिक्स अवेलेबल है। उसके अलावा अब अच्छे से अच्छी लैब्स भी अवेलेबल है इसमें। अगर अपन कुछ बात करें तो जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया, उसके अलावा SRL डायग्नोसिस हो गया, उसके अलावा 7 हिल हॉस्पिटल हो गया, नारायणा हो गया, मेट्रोपॉलिस हो गया, बहुत सारे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इंडिया में और जॉब स्कोप अवेलेबल है
तो रिक्रूटर्स की कोई कमी नहीं है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है इस फील्ड में। सिर्फ ये है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है, तो आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे लेवल पे जॉब मिल सकती है। अगर फर्दर जॉब स्टडी की अगर अपन बात करें कि जैसे DMLT है, तो DMLT एक डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद अगर अपन BMLT की बात करें तो ये बैचलर प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट। अब बैचलर प्रोग्राम के बाद में अगर आगे फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें MSc अवेलेबल है, MSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसके अलावा काफ़ी सारे PG अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कोर्स है BMLT, ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप फर्दर इसमें स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है। उसके अलावा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि आज की डेट में हर हॉस्पिटल में एक लैब्स तो है ही है, और लैब के अंदर हर जगह आपको आपको एक्सरे फैसिलिटी, सीटी स्कैन, MRI, आज की तारीख में सब हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अवेलेबल है, और वहाँ पे लैब्स लेबोरेटरीज अवेलेबल है, तो वहाँ पे जॉब स्कोप अवेलेबल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और किस टॉपिक के ऊपर हमको वीडियो बनाना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर कोर्स की और कोई इन्फॉर्मेशन, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, या फीस स्ट्रक्चर्स, या पर्टिकुलर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी कोर्स के लिए चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।